वाहिगुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह। तुसी वेख रहे हो कथा गुरबाणी विचार। तुसी चैनल नूं सबसक्राइब कर लवो तां कि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन तुहाडे तक पहला पहुँच सके। ते नाल ही जेकर तुहानूं इह वीडियो चंगी लगी तां इस नूं शेयर ते लाइक जरूर करो। प्यारी साध संगत, तुसी देखिया होएगा बहुत सारे लोग जदों सुते उठते ने जां बाहरों काम करके आउंदे ने घट्टे मिट्टी चों, ते आउंदिया ही मूँह ते पानी मार लैंदे ने, फिर साबण ला लैंदे ने, ते फिर तौलिया लै के घुट घुट के मूँह नूं पूंजदे ने। हो सकता है बहुत सारे सज्जन मित्र एवें ही करदे ने, पर यह तरीका बिल्कुल भी सही नहीं है मूँह धोण लई। तुसी देखिया होगा बहुत लोगों के चेहरे खुश्क हुंदे ने, रुखापन हुंदा है, बिल्कुल भी खिड़िया नहीं हुंदा। वो इन्हां गलतियां करके ही मुरझाया रहिंदा है। सानू हुण करना की चाहिए है? जिवें कि मौसम के मुताबिक जे ज़्यादा ठंड है तो ठंडे पानी नाल मूँह नहीं धोना चाहिए, तो जे गर्मी है फिर गर्म पानी नाल मूँह नहीं धोना चाहिए। जिवें दा वातावरण है सानू उस दे मुताबिक चलना चाहिए। नॉर्मल पानी दे नाल मूँह धोना चाहिए, तो पूरे एक दो मिनट तक हौली हौली पानी मार के मूँह नूं धोना चाहिए। अखां विच भी छिट्टे मारने चाहिए ने। ते दूजी गल, कदे भी अलग अलग साबणां नाल मूँह नहीं धोना चाहिए। इन्हां विच वक्खरे वक्खरे कैमिकल हुंदे ने, ते वक्खरा वक्खरा साबण लाउण नाल चेहरे ते रुखापन आ जांदा है। इह खुशकी साडियां मुछां ते दाढ़ी नूं भी कमजोर करदियां ने, सानूं छेती ही बुढ़ापे वल लै जांदी है। इसलिए सानूं हमेशा जो स्किन नूं सूट करे वह साबण ही लाउणा चाहिए है। ते पुरशां दे मुकाबले औरतां दी स्किन ज़्यादा सॉफ्ट हुंदी है, ते मूँह धोण तों बाद तौलिए नाल रगड़ना भी नहीं चाहिए। बीबिया भी ज़्यादा मेकअप ना करना, जे कितने जाना है तो मेकअप जरूरी है तो छेती ही घर आ के उसनों साफ जरूर करना। हो सके तो गुलाब जल नाल रोज चेहरा साफ करो। जे आपां कुदरती यंग दिखना चाहते हाँ तो दिन में तीन चार बार चेहरा धोना जरूरी है। इन्हां निक्कियां निक्कियां गल्लां ते ध्यान देने की लोड़ है जे छेती बुढ़े होना नहीं चाहते। वाहिगुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह।